फॉर उर्वशी व्हाट इज मीन टू यू एंड ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इंडस्ट्री में या सोसाइटी में से चेंज होना चाहिए बिकॉज आजकल के लोग जो हैं ये से ऐसे टैबू समझते हैं सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट. जी हाँ एग्री विद यू, आपने कहा सही बात है और वर्चुअली जो है हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम यू नो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा यू नो सही मायने नहीं पता लोगों को, इसका मतलब होता है प्योर और मेरे लिए इसका मतलब है अनटचेबल. बट कहीं ना कहीं लोग इसको एक ही शब्द से लिख करते हैं विच इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू बिकॉज आप देख सकते हैं कई सारी ब्रांड्स हैं लाइक वर्जन मोबाइल फोन्स या फिर यू नो वर्जन अटलांटिक एयरवेज एयरलाइंस की ब्रांड है, वर्जन बुक्स वर्जन नाम की इतना बड़ा फॉर्म और कंपनी भी है. तो आई थिंक यू नो आई मीन ये जो टर्म है बहुत गलत तरीके से इस टर्म के बारे में देखा जाता है एंड कहीं ना कहीं यू नो आईब्रोज रेज हो जाती हैं जब जहाँ पे भी लोगों को सुनते हैं सब लोग वर्जन. तो या एट द सेम टाइम आई वुड से कि यू नो वर्जिनिटी एक सर्कमस्टेंशियल है और कभी किसी के फोर्स में आकर के हमको कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हम अनकम्फर्टेबल फील करें. कई सारे एडल्ट वर्जन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिग्माइज फील करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुली होते हैं which is not a right thing. और सर्वे के हिसाब से बताया गया है कि एडल्ट वर्जन जो होते हैं वो इसको कहीं ना कहीं लेस ऑफ अ सोशल ब्लेसिंग और ज़्यादातर सोशल कर्स की तरह लेते हैं. तो बेसिकली यही हम बताना चाहते हैं कि ये पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल डिसीजन होता है और आई रियली होप यू नो विद दिस फिल्म वी विल ब्रेक द स्टीरियोटाइप.